दोस्तों, आज का महाराष्ट्र पूरे भारतवर्ष का सबसे अमीर राज्य माना जाता है। इस राज्य की चमक धमक, यहाँ की राजनीति, खान पान और संस्कृति का प्रभाव दूसरे सभी राज्यों पर पड़ता है। लेकिन क्या ये राज्य शुरू से इतना प्रभावशाली था? प्राचीन काल से लेकर आज के इस वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में क्या और कैसे परिवर्तन आए, जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। शुरू करते हैं। तो आज के इस भारतीय राज्य महाराष्ट्र का नाम मराठी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शक्तिशाली रथ चालक। ये शब्द सबसे पहले चीनी बौद्ध भिक्षु ह्यूएन त्सांग के द्वारा इस्तेमाल किया गया। प्राचीन भारतीय ग्रंथ रामायण में दंडकारण्य नाम के एक जंगल का उल्लेख मिलता है, जहां कई राक्षस ट्राइब रहा करते थे। रामायण के उल्लेखित के क्षेत्र में आज के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के लगभग हिस्से शामिल थे। राक्षसों का निवास स्थान होने की वजह से इस जगह पर कई युद्ध लड़े जाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि जिस समय इस जगह का नाम दंडकारण्य था, उस समय आज के भील आदिवासी समूह भी इस जगह पर रहा करते थे। ग्रंथों में उल्लेखित होने के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की कई साइट्स महाराष्ट्र में मौजूद हैं, चाहे वो प्रवरा नदी के किनारे बसा दैमाबाद हो या फिर आज के हुगली जिले का श्रीरामपुर शहर हो। डायमंड और श्रीराम और जैसी साइट न सिर्फ पुरातत्वविदों की शोध का विषय है, बल्कि ये साइट महाराष्ट्र के समृद्ध इतिहास को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ज्ञान का एक और नया दौर शुरू हुआ और इसी समय द्रविड़ भाषा को बोलने वाले लोगों ने इस जगह पर अपना रहना आरंभ किया। उसके बाद जब राज व्यवस्था के स्थापित होने की शुरुआत हुई, तब क्षेत्रीय राजाओं और शासन करने वाले लोगों ने इस क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई। सबसे पहले ये क्षेत्र मौर्यकालीन शासक अशोक महान के क्षेत्राधिकार में शामिल हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र के कई क्षेत्र में अशोक के अभिलेख मौजूद हैं। 230 ईसा पूर्व के आसपास महाराष्ट्र का क्षेत्र सातवाहन के कब्जे में आ गया और अगले 400 साल तक सातवाहन वंश के शासकों ने इस क्षेत्र पर राज किया। उसके बाद गुप्त वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और यादव वंश ने क्षेत्र पर राज किया। चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने 8वीं शताब्दी में क्षेत्र को अरबी आक्रांताओं के आक्रमण से बचाया। 14वीं शताब्दी की शुरुआत महाराष्ट्र के क्षेत्र पर यादव वंश का नियंत्रण था। ये वो समय था जब इस्लामिक एम्पायर भारत में अपने पैर पसार रहा था और इसी समय दिल्ली सल्तनत ने महाराष्ट्र के क्षेत्र पर कब्जा किया। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने डेक्कन के इलाकों को जीत लिया और अपनी राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र के दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया। फिर तुगलक के बाद डेक्कन इलाके के सुन्नी मुसलमानों ने अगले 150 सालों तक इस इलाके पर राज किया। इस सुन्नी मुसलमानों के शासनकाल की समाप्ति के बाद महाराष्ट्र 5 अलग भागों में बट गया और इसके हर हिस्से पर अलग अलग साम्राज्य स्थापित हुए। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंड, विदर और इलिशपुर के इलाके में 5 अलग अलग राजाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। इन पांचों क्षेत्रों के राजाओं में सामंजस्य नहीं था और ये आपस में लड़ते रहते थे और ये तब तक लड़ते रहे जब तक विजयनगर साम्राज्य के द्वार हार का सामना नहीं करना पड़ा। वर्तमान समय के मुंबई पर गुजरात सल्तनत का कब्जा था, लेकिन 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने इस जगह को हड़प लिया और यहां से यूरोपियन देशों के आधिपत्य की शुरुआत हुई। और अब आइए आधुनिक काल के राजनीति के दिलचस्प कहानी को जानते हैं। अपने उत्पादन का बाजार ढूंढते हुए जब इंग्लैंड, पुर्तगाल और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत पहुंचे, तो उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वर्तमान महाराष्ट्र और गुजरात उस समय बॉम्बे स्टेट के नाम से जाने जाते थे और इस बॉम्बे स्टेट पर पुर्तगालीज का कब्जा था। लेकिन 23 जून 1661 ईस्वी को एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद बॉम्बे स्टेट का ये क्षेत्र अंग्रेजों का हो गया। तो बात कुछ ऐसी हुई कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुई और दहेज के दौर पर पुर्तगाल ने राजा ने बॉम्बे स्टेट को गिफ्ट कर दिया। दहेज मिलने के बाद चार्ल्स द्वितीय के लिए इतने बड़े इलाके को मैनेज कर पाना चुनौतीपूर्ण था, तो इंग्लैंड के राजा ने क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों लीज पर दे दिया और कुछ एनुअल रेंट के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद बॉम्बे स्टेट बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बदल गया और उसके बाद से अगले कई दशकों तक इस क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा रहा और उन्होंने इस इलाके को ट्रेड सेंटर के रूप में विकसित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्र को विस्तारित किया और 1818 के तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराकर महाराष्ट्र के लगभग सारे हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया। खैर, इस समय तक भी नागपुर, सतारा और कोल्हापुर प्रिंसली स्टेट के रूप में प्रसिद्ध थे। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया। इसके भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति को समझते हुए ब्रिटेन ने यहाँ रोड्स, रेलवेज और नेवल डिफेंस का निर्माण करवाया, जिससे यातायात आसान हुआ। ये क्षेत्र अधिक विकसित हो पाया। ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आने के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी के क्षेत्र और आकार में परिवर्तन हुए। आपको बता दें कि एक समय पर महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा पाकिस्तान का सिंध इलाका, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से और यमन के कुछ इलाके भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा होते थे।
लेकिन ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान ही यमन, पाकिस्तान और कर्नाटक के हिस्सों को अलग कर दिया गया। आजादी के बाद भारत को राज्यों के संघ में स्थापित करने के लिए राज्यों का पुनर्गठन राजनेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती था। इस चुनौतीपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। इसी दौरान संयुक्त महाराष्ट्र परिषद के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि मराठी बोले जाने वाले क्षेत्रों को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही भाषाई आधार पर राज्य के बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन आंध्र प्रदेश के गठन की वजह से सरकार को इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन समिति का गठन किया। फिर वर्ष 1955 में जब इस समिति के प्रस्ताव जनता के सामने आए तो जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया और बॉम्बे स्टेट के पुनर्गठन का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। अंततः सभी प्रस्तावों को रद्द करते हुए कांग्रेस ने अपना एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ये कहा गया कि महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राज्य बनेगा जिसमें विदर्भ को शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गुजरात एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा जिसमें कच्छ और सौराष्ट्र को शामिल किया जाएगा। इस प्रस्ताव से वैसे तो सभी राजी थे, लेकिन बॉम्बे सिटी के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के बीच अनबन चालू रहा और कई विवाद के बाद अंततः 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट का द्विविभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र और गुजरात दो स्वतंत्र राज्य बन गए। दोस्तों, इस दिन को यादगार बनाते हुए 1 मई को महाराष्ट्र अपना स्टेट फाउंडेशन डे मनाता है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित होने के बाद महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने यहां के एग्रीकल्चर और ट्रेड को प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिया। अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गन्ना, सूती और तिलहन के फसलों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। धीरे धीरे इसे दूसरे फसलों में भी एक्सपेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से आज तिलहन और गन्ना के अलावा महाराष्ट्र हल्दी, दलहन और तंबाकू का भी प्रमुख उत्पादक है। एग्रीकल्चर के अलावा ये राज्य मास मीडिया का भी हब माना जाता है। भारत में बनने वाली एक तिहाई फिल्में इसी राज्य में प्रोड्यूस की जाती हैं। महाराष्ट्र में आईटी कंपनीज का भी बोलबाला है। पुणे आज एक लीडिंग आईटी हब बन चुका है। देश के टॉप 500 आईटी कंपनीज में से 2500 से ज्यादा कंपनीज पुणे में स्थित हैं। पिछले 6 दशकों में महाराष्ट्र के राज्य सरकार ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी ध्यान दिया। आज महाराष्ट्र में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और डोमेस्टिक एयरपोर्ट के अलावा 2 मेजर और 48 माइनर पोर्ट्स मौजूद हैं। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र को 5 हिस्सों में बांटा गया है। एक है कोंकण डिवीजन, जिसमें मुंबई, पालघर, थाने, रिगाद, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग शामिल है। महाराष्ट्र का ये डिवीजन अकेले राज्य के जीडीपी में 41% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा डिवीजन है पुणे डिवीजन, जिसमें पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर शामिल है। इस क्षेत्र को महाराष्ट्र का शुगर बेल्ट कहा जाता है। इसके अलावा पुणे आज ऑटोमोबाइल हब बन चुका है, जहां टाटा मोटर्स, बजाज, मर्सिडीज जैसी कंपनीज ने अपने प्लांट लगाए हैं। तीसरा है नासिक डिवीजन, जिसमें नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और अहमदनगर जिले शामिल हैं। इस डिवीजन में भी महिंदा, कोका कोला और हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनीज ने अपना प्लांट सेटअप किया है। आपको बता दें, नासिक को भारत का वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। सोला, सोमा, जाम्पा और यॉर्क जैसी ब्रांड्स ने इंटरनेशनल मार्केट में धूम मचा रखी है। नासिक डिवीजन अनार, अंगूर और प्याज का भी प्रमुख निर्यातक है। इसी डिवीजन में करेंसी नोट और स्टाम्प पेपर प्रिंट किए जाते हैं। चौथा डिवीजन है मराठवाड़ा डिवीजन, जो सिल्क और टेक्सटाइल उत्पादन में अहम स्थान रखता है। ये इलाका सूखे का शिकार है, जिस वजह से यहाँ कॉटन और सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है। इन चारों डिवीजन के अलावा अमरावती और नागपुर को मिलाकर बनता है विदर्भ डिवीजन। ये डिवीजन मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और स्टेट जीडीपी में 14% कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र के इतिहास की कहानी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने महाराष्ट्र के इतिहास को समझने के साथ साथ वर्तमान भारत में महाराष्ट्र की स्थिति एवं योगदानों को जाना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देख कर आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।